देखो जो श्रोमणी अकाली दल की छवि ढा लाने के लिए जी झूठी कंप्लेंट एक हुशियारपुर की कोर्ट के फाइल की गई थी जिथे कहा गया कि श्रोमणी अकाली दल का दोहरा संविधान है तो ये सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिम्मेवार ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल तो डॉक्टर दलजीत चीमा का नाम वो अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें क्वैश कर दिया। माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो क्रिमिनल ऑफेंसिस इस कंप्लेंट के बनाए जा रहे हैं वो साबित नहीं होंगे। ये असल श्रद्धांजलि है सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने। अज एक पासे उन्हों का अंगीठा सांभिया जा रहा है तो दूजे पासे माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यह जजमेंट आ रही है। दोहरे संविधान के मामले में हुशियारपुर की अदालत में चल रही मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई हुई। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल उस वेले वड्डी राहत मिली जदों दोहरे संविधान के मामले में हुशियारपुर की अदालत में चल रहा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा खिलाफ हुशियारपुर की अदालत में चल रही दोहरे संविधान के मुकदमे को रद्द करने के हुक्म सुनाए ने। इस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल के बुलारे एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। देखो जो श्रोमणी अकाली दल की छवि ढा लाने के लिए जिहड़ी झूठी कंप्लेंट एक हुशियारपुर की कोर्ट के फाइल की गई थी जिथे कहा गया कि श्रोमणी अकाली दल का दोहरा संविधान है तो ये सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिम्मेवार ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल तो डॉक्टर दलजीत चीमा का नाम वो अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें क्वैश कर दिता है। माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो क्रिमिनल ऑफेंसिस इस कंप्लेंट के बनाए जा रहे हैं वह साबित नहीं होंगे। इत्थे तक जाके माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यह तो माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में ही क्वैश कर देनी चाहिए सी क्योंकि उन्होंने नहीं की करके अज सानू एक क्रिमिनल कंप्लेंट क्वैश करनी पै रही है। यह सच्चाई की जित है, यह असल श्रद्धांजलि है सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नूं। अज एक पासे उन्हां दा अंगीठा सांभिया जा रहा है दूजे पासे माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यह जजमेंट आउंदी है। इहदी बहस कई दिन पहले ही मुकम्मल हो गई सी पर अज इस मौके ते जजमेंट आना यह सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नूं एक बहुत वड्डी श्रद्धांजलि। वह इंसान जिन्हें अपना जीवन सच्चाई ते जिउया, वह इंसान जिहदा जीवन पंजाब पंजाबीयत देश नूं समर्पित रहा। और अज एक गल साबित हो गई कि सच्चाई ते सूरज ये बाली देर झूठे बदलों पिछे नहीं छुप सकते, इन्होंने बाहर आना ही आना है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का प्रकाश अज दुनिया के सामने है, देश के सामने है। दसनयोग है कि बलवंत सिंह खेड़ा ने हुशियारपुर अदालत दे विच मुकदमा दायर करके अकाली दल की मानता रद्द करने की मांग की सी अते कहा सी कि अकाली दल धार्मिक चोणा लड़ता है इसलिए इस वलों चोण कमीशन वलों दित्ती संविधान की कापी जालसाजी है। हुण सुप्रीम कोर्ट ने हुशियारपुर अदालत दे विच चल रहा यह केस खारिज कर दिता है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।